जय हिंद एवरीवन, सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा प्यारे दोस्तों, अपने AK डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर हर रोज़ एक से दो वीडियो अपलोड की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ पे बात करें दोस्तों, केंद्रीय कृषि विद्यालय की तरफ से एक और भर्ती निकाली गई है, नोटिफिकेशन आउट किया गया है और सीधी भर्ती रहने वाले दोस्तों, और ये भर्ती रहने वाले परमानेंट वैकेंसी रखी गई है, जो कि 10वीं पास 12वीं पास स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे देखिएगा 81,100 रुपये इसमें सैलरी रखी गई है दोस्तों, जिसमें रजिस्ट्रार, स्टेनोग्राफर, LDC और ऑपरेटर के पदों पे भर्ती आउट की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसका कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्यारे दोस्तों, इसका जो लिंक है, मैंने वीडियो के नीचे लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है, आप सभी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे कैरियर का ऑप्शन आएगा, ओके, और रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, ये परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है, लाइफ टाइम वैकेंसी है आपकी और बहुत ही बेहतरीन पदों पर वैकेंसी जो कि आउट की गई है। सबसे पहले इसका जो वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे इसका डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कैसे आपको डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज का ही जो नोटिस है वो पब्लिश किया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे 15/2/2024 का ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट नोटिस डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पोस्टों पे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप इसका फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं जो किन किन पदों पे वैकेंसीज आउट की है। इसका एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे पब्लिश करोगे, इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, फिर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट की गई है, सबसे पहले ये इस वैकेंसीज के बारे में बता दूँ, ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी निकाली है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी, ओके। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की पोस्टें हैं जो कि आउट की गई है, इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके स्टेट में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो। सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो वैकेंसीज निकल के है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट निकल के है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल असिस्टेंट के पदों पे वैकेंसी निकल गई है दोस्तों, जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पे वैकेंसी निकल गई है, और LDC के पदों पे वैकेंसी आउट की गई है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे 15/2/2024 से लेके 7/3/2024 तक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप यार दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे, इसका जो ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म है, 16/2/2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है, और इसकी जो लास्ट डेट जो रखी गई है 7/3/2024 भर्ती की लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे देखिए दोस्तों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की केवल एक सीट रखी गई है दोस्तों, ठीक है, UR कैटेगरी में। इसमें OBC, SC, EWS सभी के सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, असिस्टेंट के पदों पे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, UR की 2 वैकेंसीज हैं, OBC की 2 वैकेंसी है, SC की 1 वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे 5 वैकेंसी टोटल निकल के आई है, ठीक है। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, डायरेक्ट वैकेंसी है, UR की यहाँ पे 10 वैकेंसी है, OBC की 5 है, SC की 3 है, और EWS की 2 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 20 वैकेंसी है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसमें 2 वैकेंसी, एक वैकेंसी यहाँ पे एक्सर्समैन की है, और एक वैकेंसी यहाँ पे PWD की है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देखिएगा, जनरल OBC EWS के लिए अगर आप रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करोगे या असिस्टेंट के लिए अप्लाई करोगे तो 1,000 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा, अगर आप SC ST PWD या वुमेन है तो 500 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा, अगर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करोगे तो 500 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा, SC ST को कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं देना होगा। और आपको इसका जो ये एड्रेस दिया गया है दोस्तों, ठीक है, अकाउंट नेम वगैरह दिया गया है दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ इस नाम से आपको कटवाना पड़ेगा, ठीक है। नेट बैंकिंग से भी आप कटवा सकते हो, फ़ोन बैंकिंग से आप कटवा सकते हो, मोबाइल बैंकिंग से आप लोग कटवा सकते हो, ठीक है, फीस आप पे कर सकते हो। यहाँ पे वैकेंसीज की जानकारी दी है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करोगे तो मास्टर डिग्री होना चाहिए और 55% नंबर होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 साल के लिए प्रोविजनल पीरियड चलेगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक और पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों,
150 नंबर का एग्ज़ाम दिया गया है, 50 नंबर की जीके आएगी, 100 नंबर की यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू रहने वाला है 100 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, असिस्टेंट की वैकेंसी निकल गई है, 2 वैकेंसी यूआर की, ओबीसी की यहाँ पे 2 वैकेंसी, एससी की 1 वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 5 है। और यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री मांगा गया है दोस्तों, लेवल 10 की जॉब रखी गई है, ठीक है। मास्टर डिग्री 55% नंबर होने चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड मार्कशीट होनी चाहिए, 2 ईयर का प्रोविजनल पीरियड चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, जूनियर स्टेनोग्राफर, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली, 20 वैकेंसीज यहाँ पे आउट की गई है, ठीक है। और केवल प्लस टू पास स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपकी 30 वर्ड आपकी हिंदी में मांगी है और 25 वर्ड आपकी इंग्लिश में मांगी गई है, ठीक है। और उसके बाद आपका इसमें स्टेनोग्राफर का भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, 2 ईयर प्रोविजनल पीरियड चलेगा और इसका सिलेबस वगैरह दिया गया है, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन तरीके से फॉर्म में फिल करना पड़ेगा, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और लास्ट डेट यहाँ पे 7/3/2024 रखी गई है। और बाकी की इसका जो हार्ड कॉपी है, इसकी जो हार्ड कॉपी आपको इस एड्रेस पे फॉर्म है वो भर के भेज देना है, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर देना, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट अटैच करके आप सभी भेज सकते हैं, ठीक है। और बाकी की जानकारी अगर कोई भी डाउट है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। सिलेबस वगैरह का पूरा ये PDF है, मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ओके। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू गाइस।